الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی. ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے. ہر سال دوسرے جمعے میں زکوٰۃ و صدقات کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں. کراچی میں اکثر لوگ ماہ رمضان میں اپنی زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اس موقع پر اس حوالے سے ہر سال بیان کرتا ہوں. آج بھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ پر ہے. گواہی اللہ اور اس کے رسول کی نمبر ایک، نمبر دو نماز، نمبر تین زکوٰۃ، نمبر چار روزہ، نمبر پانچ حج.
ये इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक नुमाया रुकन जिसको ज़कात कहते हैं। अगर कोई इसका इनकार करे तो वो मुसलमान नहीं रहता, क्योंकि ये इस्लाम के बुनियादी अरकान में से। जो नहीं देता वो फासिक है, जो देर करता है वो गुनाहगार। इस हवाले से हर साल बहुत सी बातें आप तक पहुंचाता हूं। हम सबको जान लेना चाहिए कि हमारे दीन में किसी पर जुल्म नहीं है, हमारे दीन में किसी के साथ ना इंसाफी नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, उसके लिए कितनी चीज़ें बनाईं, उसको बताया गया ये सब कुछ तेरे लिए है मगर तू दुनिया के लिए नहीं। मगर इंसान ने दुनिया से दिल लगा लिया, दुनिया का होके रह गया, अल्लाह को आखिरत को भूल गया, रूहानियत को भूल गया। उसकी वजह से वो तरह तरह की परेशानियों का शिकार हुआ। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, इस्लाम का माली निज़ाम, उसका नाम ज़कात है। ज़हन में रहे, इसमें जो आप तफसील सुनेंगे तो आप ख़ुद तस्लीम करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी आसानियां फरमाई हैं और उसके हर हुक्म में हमारे लिए भलाइयां हैं। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, कुछ लोग इसको टैक्स करार देते हैं, इसके ख़िलाफ़ बातें करते हैं, हालांकि उनकी अक़ल का हाल देखा जाए। बाज़ार से एक वाटरमेलन, तरबूज, अधवाना, हब हब कहते हैं अरबी वाले, ले आओ, उसका छिलका काट के फेंकते हो तो क्या बुरा लगता है? अंदर गूदा कम निकलेगा, छिलका अच्छा खासा, वो छिलका फेंकते हो बुरा नहीं लगता। क्यों, कभी सोचा? कितनी चीज़ें लेते हो, उनमें से कितना हिस्सा तुम्हारे इस्तेमाल में आता है? उस वक़्त तुम्हारी अक़ल कहाँ होती है? ऐ इंसान, तूने अपने पल्ले से दिया क्या है? रब के दिए में से देता है और फिर एतराज़ करता है। सोचना चाहिए इस इंसान को। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमने ज़िंदगी के तमाम मसाइल को, सारी चीज़ों को सामने रख के देखा तो हमें पता चला कि हम लोग सिर्फ दो लक़मे खाने, दो घूंट पीने के लिए, दो लिबास पहनने के लिए सारी मेहनत करते हैं। हमारी तमाम चीज़ें सिमट के इसमें आ जाती हैं। इस्लाम हमें कहता है कमाओ, खूब कमाओ, दौलतमंद बुरा नहीं है, दौलत से प्यार करने वाला बुरा। जब इसकी मोहब्बत आ जाती है तो तुम्हारी आदत बिगड़ती हैं। इसकी मोहब्बत से बचो, दौलतमंद बनो, अपने लिए दूसरों के लिए फ़ायदा मंद बनो। हम टैक्स दे देते हैं, भत्ता दे देते हैं, रिश्वत दे देते हैं, सूद का, जुए का, जुर्माने का, जबरन सारी चीज़ें कर लेते हैं, मगर दीन की बात आए तो हमें बोझ लगता है। इस हवाले से
आपको आज कुछ मसाइल कुछ फ़ज़ाइल बताऊंगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ बयान करने, हम सब को हक़ सुनकर उसको कबूल करने, उस पर अमल करने और उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। सूरह बकरा कुरान की दूसरी सूरत, उसकी इब्तिदा में ईमान वालों की छह निशानियां बयान हुई हैं, उनमें से ये एक निशानी रिज्क कहते हैं दी हुई चीज़ को। अल्लाह फरमाता हमने जो कुछ दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। क्या करते हैं? खर्च अल्लाह की राह में, अपने ऊपर भी दूसरों पर भी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून। उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंच सकते, नहीं पा सकते, जब तक अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे। इन दो आयतों से पता चला कि अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास जो कुछ है उसमें से अल्लाह की राह में हमें खर्च करना चाहिए। कुरान में 32 जगह ज़कात का लफ्ज़ है, इसके अलावा और मुख्तलिफ अल्फाज इसके हवाले से बयान हुए, कहीं सदका कहीं कुछ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। इस्लामी हुकूमत अगर कायम हो, मुसलमानों को ज़मीन में हुकूमत मिले, तो अल्लाह का हुक्म है, अल्लज़ीना इम्मकन्नाहुम, अगर तुम्हें ज़मीन में तमकनत मिल जाए, कंट्रोल मिल जाए, तो फिर क्या करना है तुमने? नमाज का निज़ाम कायम करना है, ज़कात का निज़ाम कायम करना है, भलाई की तरफ लोगों को हुक्म देना है, बुराई से रोकना है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कौन बोल रहा है मुसलसल? त्रुशी पढ़े एक मरतबा। ये इस्लाम का माली निजाम है, इसके फ़ायदे कितने हैं, इसको नाफिज किया जाए तो मुसलमानों को सहूलतें कितनी हैं, हमने कभी इस हवाले से गौर नहीं किया। जो भी इसको समझेगा, गौर करेगा, वो यही कहेगा कि इस्लाम में ये बेहतरीन निज़ाम है। ज़कात देने से माल कम नहीं होता, इसके माने बढ़ने के हैं, फलने के हैं, फूलने के हैं। और रब का वादा है, जिसे रब पर यकीन है वो जानता है कि मेरा रब अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। ज़का यज़कू ज़कान, लुगत में देखें तो इसके माने बढ़ने के हैं, फलने फूलने के हैं। इंसान दुनिया में आया, उसको ज़मीन चाहिए थी जिस पे करार पकड़े, उसको ठिकाना चाहिए था जहाँ आराम कर सके, उसको ग़िज़ा चाहिए थी जिससे वो अपने आप को ज़िंदा रख सके, खा सके, पी सके। अल्लाह ने इंसान को बाद में बनाया, ये सारी चीज़ें पहले बनाई, क्योंकि ज़रूरत
पहले होती है ज़रूरतमंद बाद में होता। ये चीज़ें हमारी ज़रूरत थी, अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई हमारे लिए। क्या कुछ किया, कितने मौसम हैं, हवा है, पानी है, कितनी चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, हमें कितनी आसानी से मैसर हैं, हमने कभी तवज्जो नहीं दी। वरना अंदाज़ा करें, अभी 2 साल कोरोना की तकलीफ़ रही लोगों को, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लेने पड़े सांस के लिए, तो उन्हें 1 घंटे की ऑक्सीजन के जब हज़ारों रुपए देने पड़े, तो उन्हें पता चला कि हम सुबह से शाम तक ज़िंदगी भर कुदरती कितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और एक देला नहीं देना पड़ता। फिर भी हम अल्लाह का शुक्र नहीं करते। ये खुली हवा फ़ज़ा हमारे लिए क्या कुछ इसमें है, अगर हमें ख़ुद अपना इंतज़ाम करना पड़े तो हमारे पास ना हो, फिर भी हम रब ताला का शुक्र नहीं करते। ज़रा इर्द गिर्द देखें, सोचें तो आपको अंदाज़ा हो। मैं इस हवाले से कुछ मसाइल आपको बता दूं। ज़कात आपके माल, जिसको आप वेल्थ कहते हैं, उस पर है मखसूस शर्तों के साथ। अपने माल के एक मखसूस हिस्से का मालिक किसी मुस्तहिक को बनाना, अल्लाह के लिए मखसूस शर्तों के साथ अपने माल के एक मखसूस हिस्से का मालिक किसी मुस्तहिक नादार को बना देना, इसको ज़कात कहते हैं। ठीक है, हाजाते असलिया, आपकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उसके सिवा आपके पास एक ख़ास मकदार में माल होगा तो आप साहिब निसाब कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? साहिब निसाब का मतलब कि आप ज़कात अदा करने के लायक, उसको साहिब निसाब कहते हैं कि ये इतनी मकदार का मालिक हो गया कि अब इस पर ज़कात अदा करना लाजमी हो गया, उसको साहिब निसाब कहते हैं। 3 चीज़ों पर ज़कात है, सोना, चांदी और सामान तिजारत। फिर सुन लीजिए, सोना, चांदी और सामान तिजारत। ये जो आपकी करेंसी है, नोट है, सिक्के हैं, ये सोने चांदी के इवज, इसी से आप सोना चांदी खरीदते हैं, तो ये उसमें शामिल। अब इसमें आप कह दें नकदी भी कह दें, भले वो कैश हो, भले वो बैंक में हो, रुपया पैसा जो है वो भी। 40वां हिस्सा सोने चांदी माल तिजारत का, आवाज आए, 100 पर कितना हो गया? 2.5। 40वां हिस्सा है तो 40 पर 1 हुआ, दूसरे 40 पर 1 हुआ, 20 रह गया उस पर आधा, तो 100 रुपए पर कितना हुआ? 2.5। तो 100 पर 2.5%, 2.5%, ये आपको देना। कब देना है वो सुने आप। इसके अलावा पैदावार होती है, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं तो वो 10वां हिस्सा उश्र कहलाता है, जो गल्ला उनके यहाँ होता है उसका 10वां हिस्सा। जो लोग जानवर पालते हैं, जानवरों की तादाद पर है, 5 ऊंट से कम है, 40 बकरियों से कम है, 30 गाय से कम है, तो उन पर कोई ज़कात नहीं। निसाब, सोने का निसाब 7.5 तोले। आजकल अगर सही उसको बराबर किया गया
तो 87.48 ग्राम नया जो आपका पैमाना है 7.5 तोले सोना, दूसरा निसाब 52.5 तोले चांदी, 612.36 ग्राम नया वजन, ये निसाब है। एक ज़माना था कि 52.5 तोले चांदी जितने की आती थी उतने का ही 7.5 तोले सोना आता था। अब सोने का मामला और हो गया, सोना कहाँ पहुँच गया, तो अब साहिब निसाब कौन होगा जिसके पास 52.5 तोले चांदी या उसके बराबर कुछ रकम, कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ नकदी, कुछ सामान तिजारत मिलाकर 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाएंगे, जो आजकल 80 या 88 हज़ार अखबार में बताई गई, तो आप साहिब निसाब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्या मतलब उसका? कि आप पर ज़कात का अदा करना वाजिब हो जाएगा। ये इसलिए मैंने बताया, हालांकि जो सोने के बात करते थे कि सोना भी हो और चांदी भी हो और निसाब दोनों का कामिल हो, तो ज़रूरी नहीं कि सोने को चांदी और चांदी को सोना करार देकर ज़कात दी जाए। दोनों की मजमूई मालियत अगर 52.5 तोले चांदी के बराबर हो जाए तो ज़कात का निसाब हो गया। ये आपने सुन लिया। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, मालूम हुआ कि 10 तोले चांदी है, कोई आपके पास 20-25 हज़ार रुपए नकद हैं, कोई थोड़े से चंद माशे सोने के हैं, मजमूई मिलाकर 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाएगा तो आप साहिब निसाब ऊंची गई है। ये मैं बार बार बता रहा हूं। जो माल तिजारत की गरज से है, आपने हीरे जमा किए हुए हैं पहनने के लिए, ज़कात नहीं है, बेचने के लिए आप हीरे जवाहरात का, नगीनों का कारोबार करते हैं, आपके पास कुछ और चीज़ें हैं जिनका आप कारोबार, जिस चीज़ से आप खरीदो फरोख्त कारोबार करते हैं वो माल तिजारत, उसकी कीमत आपने लगानी है और अपने निसाब में शामिल करनी है। तरीक़ा सुन लीजिए, बार बार पूछते हैं लोग, आज क्या तारीख है? 15 अप्रैल, ठीक है, अप्रैल की 15 तारीख। आपने आज के दिन अपनी तमाम चीज़ें गिन लेनी हैं। आपके पास नकद रकम कितनी है, बैंक में कितनी है, प्राइस बॉन्ड कितने हैं, दूसरे और सर्टिफिकेट, जितनी भी मालियत की चीज़ें लिखें, सामान तिजारत कितना है आपके पास, सोना चांदी घर में कितना है लिखें, टोटल लगा लें। जितना टोटल लगा, आपको पता लग गया कि मैं साहिब निसाब हूँ। अगले साल 15 अप्रैल को, 14 अप्रैल को पूरा साल हो जाएगा आपको, आपने उस वक्त अगले साल जितना आपके पास होगा उस तारीख को आज लिख लिया है ना, दरमियान में कम हुआ, ज्यादा हुआ, लाखों रुपए आ गए, लाखों रुपए चले गए, वो ऊंच नीच होती रही, वो नहीं, अगले साल 15 अप्रैल को जितना है उस पर आपने ज़कात देनी है। समझ आ गई बात? पूछ रहा हूं, दोहराऊं या काफी है? ये आपने सुन लिया, बीच में आगे पीछे हो रहा है। अच्छा जी, आपने माल तिजारत है आपके पास और उसकी कीमत जितना कर्ज भी है, जितना आपके पास सामान तिजारत है उतना ही आप पर उधार है, कर्ज है, या नकद रकम आपके पास है और उतनी ही रकम के आप मकरूज हैं, तो अगर कर्ज निकालें, कर्ज की रकम निकालें,
तो बाकी जो रकम बचेगी या माल तिजारत अगर वो निसाब को पहुंच जाएगा तो आपको ज़कात अदा करनी है। ये भी आसानी से समझ आ गया या दोहराऊं पूछ रहा हूं? जो माल हलाक हो गया, आग लग गई, खराब हो गया, उसकी ज़कात साकित हो गई, उसकी ज़कात नहीं होगी। जिस कदर हलाक हुआ जितना भी, लेकिन हलाक के माना समझ लें, हलाक के माना मालिक के फेल के बगैर, यानी मालिक का उसमें कोई दखल ना हो हलाक करवाने करने में, बिजली का शॉर्ट सर्किट करवाया, एक तो है ना खुद ब खुद हो गया, खुद ब खुद आग लग गई, सैलाब आ गया, बह गया, लेकिन अगर मालिक का उसमें कोई असर दाखिल है कि उसने खुद किसी तरह करवाया तो उसको हलाक नहीं कहेंगे। फकीर और मुफलिस को आपने कर्ज दिया, ऐसा शख्स जो नादार था, मुस्तहिक था, आपने उसको कर्ज दिया और कुल टोटल माफ कर दिया तो उतनी ज़कात आपकी साकित हो गई। 1,000 रुपया दिया हुआ किसी को, वो इस काबिल नहीं है कि लौटाए, आपने कहा मैंने तुझे माफ़ किया और वो 1,000 आपने ज़कात में काट दिया, आपकी ज़कात 1,000 की अदा हो गई। नाबालिग बच्चे की मिल्क पर, जिसका मालिक नाबालिग बच्चा है, उस पर ज़कात नहीं। कुछ लोग ज़कात से बचने के लिए चाल चलते हैं, जी ये मैंने अपनी इस बेटी के नाम, ये इस बेटे के नाम, ये उस बेटे के नाम, ऐसे ही लगा देते हैं ज़कात से बचने के लिए। अगर वाकई आप उनको मालिक बना रहे हैं इजाज़त है, लेकिन सिर्फ ज़कात से बचने के लिए कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रब ने दिया है, रब के दिए हुए से रब की राह में खर्च करेंगे बरकत होगी, हीले बहाने करेंगे तो बरकत नहीं होगी। साल भर आप खैरात करते रहते हैं, कोई आया रुपया दे दिया, 5 दे दिए, 10 दे दिए, किसी को खाना खिला दिया, किसी को कुछ, बाद में आप कहें कि मैं वो सारा ज़कात की नियत कर लूं, तो ऐसा हो सकता नहीं। देते वक्त नियत की ज़रूरत है, बाद में नियत हो सकती नहीं। वो जी साल भर पहले उस शख्स को 10,000 दिया था, उसको 5,000 दिया था, आज मैं चाहूं कि ज़कात की नियत कर लूं, तो ऐसा नहीं। गल्ला, आटा, चावल, दालें, घी, चीनी वगैरह, कपड़ा, पहना हुआ बगैर पहने हुए, सिला हुआ बगैर सिले हुए, बर्तन इस्तेमाल शुदा बगैर इस्तेमाल के, ज़कात में कीमत लगा कर दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पैसे ही ज़कात देने हैं, आप गल्ला भी दे सकते हैं, आप कपड़े भी दे सकते हैं, आप बर्तन भी दे सकते हैं, आप फर्नीचर भी दे सकते हैं, हर वो चीज़ जिसकी कीमत लगती हो। अगर आपने इस्तेमाल कर ली, जितना इस्तेमाल कर लिया वो निकाल दें, जितने के काबिल है उतने पैसे की आप ज़कात शुमार करके, आगे कहिए, आवाज़ आए, याद हो तो कर लेना आपको, मैं आपसे, ताकि आपको पूछना ना पड़े। मसलन कोई आपने चीज़ खरीदी, अब आपका दिल नहीं चाह रहा इस्तेमाल करने को, जितना आपने इस्तेमाल कर लिया उतनी रकम कम कर दें और बाज़ार में आप दे दें या किसी को दे दें, तो वो ज़कात में शुमार हो सकती है। औरतें, कपड़ा पुराने फैशन का हो गया, नहीं पहनना, आप उनके लिए मसला होता है, एक बार पहन लें तो दूसरी बार ऐसी जगह पहन के जाएंगी जहाँ किसी ने देखा ना हो, जहाँ देखा होगा वहाँ कहेंगी सबने देखा हुआ, उनके मसले होते हैं। तो वो अगर ऐसे कपड़े दे रही हैं, मिसाल के तौर पर आपने 100 रुपए का कपड़ा लिया, 100 रुपए सिलाई दी, तो कितने का हो गया? 200 का। आपने एक या दो मर्तबा पहना, आप उसमें से वो जो पहना हुआ उसमें जितना चाहें कम कर दें, 50, 60, 70, 100 कम कर दें, बाकी 100 ज़कात के तौर पर दे दें, तो आप दे सकते। खाना अगर आपने पकाया है और किसी को बुला के कह रहे हैं यहाँ बैठ के खाओ, तो ज़कात अदा हो सकती नहीं। वो खाना उसको दे दें, वो भले आगे जाके बेचे, किसी और को दे दे, मालिक बना दें,
फिर ज़कात अदा हो सकती है। सिर्फ बुलाकर खिलाने से अदा नहीं हो सकती, ज़कात की नीयत से खाना दिया तो अदा हो जाएगी। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, जिसको ज़कात देंगे उसको मालिक बनाना शर्त है, इसको तमलीक कहते हैं। क्या कहते हैं? तमलीक। ते मीम लाम ये काफ, तमलीक। इसके बगैर, मालिक बनाए बगैर ज़कात अदा नहीं होगी और नीयत के बगैर अदा नहीं होगी। देते वक्त कहना ज़रूरी नहीं है, नीयत होना ज़रूरी है। आप किसी को दे रहे हैं, आप उसको कह दें ये लो नजराना ले लो, हदिया ले लो, मगर नीयत ज़कात की होना ज़रूरी है। अगर वो पूछ ले कि ये ज़कात है तो फिर आप झूठ नहीं बोल सकते, आपको कहना होगा ज़कात है, वरना अदा नहीं हो। साल भर मुद्दत है जिसकी ज़कात अदा करनी है, उस पर साल गुजर गया हो, उस पर ये मैंने आपको समझा दिए बुनियादी मसाइल। अब सुने, ज़कात के पैसे निकाल के अलग रख लिए मगर अदा नहीं किए। जी मेरी ज़कात बनी है 2000 रुपये, ये मैंने 2000 रुपये अलग कर लिए, तो वो शुमार नहीं होंगे, अदा नहीं होंगे। मुस्तहिक को देना, मालिक बनाना शर्त है। वैसे आपने रखे हुए हैं तो वो अदा नहीं हुए, वो आपके अपने पैसे हैं, आपने उनको दूसरों में मिक्स किया, उससे कोई नुकसान हो वो आपका मसला, लेकिन अदा नहीं हुए जब तक आपने किसी को देकर मालिक नहीं बनाया। कोई शख्स है जिसने आपसे कर्ज लिया हुआ है, आपका मकरूज है, इस काबिल नहीं कि कर्ज वापस कर सके। अब या तो ये कि आप उसको टोटल उतना ज़कात में मुआफ़ कर दें कुल, नहीं तो तरीक़ा सुन लें। आप उससे कहें कि मुझे मेरे पैसे वापस करो, वो कहेगा हैं नहीं, जब होंगे दे दूंगा, वादा ले लें। वादा करते हो, जब होंगे दे दूंगा, वो कहता जी वादा करता हूँ, दो गवाह पास में डालो। अब जितने पैसे आपने उसको दिए हुए कर्ज के तौर पर, उतने ही पैसे आप उसको ज़कात की नीयत से दें। मसलन 1 लाख रुपया दिया हुआ है आपने उसको, वो वापस नहीं कर सका, उसके पास हैसियत नहीं है, माल नहीं है। अब आप उसको 1 लाख रुपया ज़कात की नीयत से दें, उसके हाथ में दे दिया। अब आप उससे कहें तूने कहा था जब होंगे मैं दे दूंगा, अब तेरे पास है मुझे वापस कर। वो ना दे तो छीन सकते, वो ना दे तो छीन सकते हैं। आपने एक बार उसको मालिक बना दिया, तमलीक हो गई, आपकी ज़कात भी अदा हो गई, उस पर वो कर्ज का बोझ ख़त्म हो गया। तो इस तरह आप अपनी वो रकम ज़कात में गुजार सकते। हाजात असलिया के सिवा जो आपके पास सामान होगा वो निसाब में आएगा। हाजात असलिया, बेसिक नेसेसिटीज़, बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं, ज़िंदगी बसर करने के लिए ज़रूरी चीज़ें, आपका रिहायशी मकान एक हो या ज़्यादा हो, आपके लिबास कपड़े अलमारियां भरी हों या सिर्फ 2 जोड़े हों, सवारी आपके पास एक हो या 2 हों या 3 हो या 4 हों, आपने गाड़ियां खरीदी हुई हैं अपने लिए, सामान खानादारी है, आपने हर कमरे का अलग फर्नीचर है, उसमें तरह तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, आप कोई काम करते हैं उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आलात होते हैं, टूल्स होते हैं, इसी तरह 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 के बर्तन जमा किए हुए हैं, डेकोरेशन पीसेस जमा किए हुए हैं, आपने फैक्ट्री के लिए ज़मीन ली हुई है, उस पर फैक्ट्री बनाई हुई है, उसमें मशीनें लगी हुई हैं, वो इमारत, वो मशीनरी, वो ज़मीन, आपका रिहायशी मकान, आपके कपड़े, आपकी सवारी, खानादारी का सामान, आपके टूल्स, बर्तन वगैरह, इन पर ज़कात नहीं है, इन पर, सुन रहे हैं, अपने दीन को पहचाने, इनमें से किसी चीज़ पर भी ज़कात नहीं। सामान तायुश,
लग्जरी आइटम वो शामिल नहीं है, जो ज़रूरत नहीं है वो शामिल नहीं है। हाजात असलिया का मतलब जो आपकी ज़रूरतें हैं। अब एयर कंडीशन को आप ज़रूरत बनाएं, आप चार चार फ़ोन रखें उनको ज़रूरत बनाएं, ये आपने फ़ैसला करना है। जो ज़रूरत नहीं है वो शामिल नहीं। शौहर हस्बैंड बच्चों के खर्च के लिए बीवी को जो पैसे दे कि ये घर का खर्च है बच्चों का खर्च है, उससे वो ज़कात अदा नहीं कर सकती। हाँ, वो इजाज़त दे दे कि इसी पैसे में से तुम कुछ और खर्च करना चाहो, अपने लिए करना चाहो, तुम्हें इजाज़त है, फिर और बात होगी। जेब खर्च देते हैं, पॉकेट मनी जो देते हैं, उसका चूंकि आपको मालिक बना दिया जाता है, वो आपके अपने पैसे होते हैं, उससे आप जो चाहें दें। आप बीवियों को अगर पॉकेट मनी जेब खर्च नहीं देते तो दिया करें, ताकि उनको अपनी भी कोई चीज़ लेनी हो, ख़ुद पे खर्च करना हो तो आज़ादी से कर सकें, या फिर जो खर्च देते हैं उसमें उनको इजाज़त दें। घर की अशिया का मालिक कौन? हम आज तक नहीं घर में चीज़ें ला देते हैं, नहीं पता होता कौन मालिक है। अगर आपने बीवी को ला के दिए कि इस्तेमाल करो तो बता दें कि सिर्फ इस्तेमाल के लिए, वरना बताएं कि इसके मालिक तुम हो या बच्चे हैं या मैं हूँ या कौन। इस तरह बाद में फिर मसला बन जाता है। शौहर की रकम से बीवी अज खुद से ज़कात नहीं दे सकती, वो इजाज़त दे तो दे सकती। किसको देनी है ज़कात? ध्यान से सुन लें, पूछना नहीं पड़ेगा अगर याद कर लेंगे। उसूल को नहीं देनी, फुरूर को नहीं देनी। असल की जमा उसूल, फरा की जमा फुरू। उसूल होते हैं बुनियाद, माँ बाप, माँ बाप के माँ बाप, इनको कहते हैं उसूल। क्या कहते हैं? जड़ें, माँ बाप और माँ बाप के माँ बाप जितने हों, दादा दादी नाना नानी, सौतेलों की बात नहीं कर रहा, सगे माँ बाप और माँ बाप के माँ, इनको ज़कात नहीं दे सकते। फुरू शाखे, औलाद, औलाद की औलाद, औलाद पोते पोतियां नवासे नवासियां आगे उनकी औलाद जितनी है, उनको ज़कात नहीं दे सकते। ये याद कर लें बस। माँ बाप को नहीं देनी, माँ बाप के माँ बाप को नहीं देनी, औलाद को नहीं देनी, औलाद की औलाद को नहीं देनी, बाकी सब को दे सकते हैं। अब वो सब की तफसील सुन लें, मैं और आसान कर दूँ। बहू को दे सकते हैं, दामाद को दे सकते हैं, सौतेली माँ को दे सकते हैं, सौतेले बाप को दे सकते हैं, सौतेली बीवी की औलाद जो बीवी की आगे सौतेली औलाद उसको दे सकते हैं, शौहर की सौतेली औलाद उसको दे सकते हैं। शौहर बीवी को नहीं दे सकता, बीवी शौहर को नहीं दे सकती। सही उल अकीदा हर मुस्तहिक को दे सकते, जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं उसको देने से ज़कात अदा नहीं होगी। समझ आ गई? जिसका अकीदा सही नहीं उसको देने से ज़कात अदा, ऊंची कह दीजिए, हाँ ये मसला याद कर लें। बदअकीदा को देने से अदा नहीं होगी। आपने सुन लिया, मैंने आपको बहुत आसान करके बता दिया। हाशिमी सैयद, नबी पाक का ख़ास खून जो औलाद है, उनको भी ज़कात नहीं देंगे, उनको देंगे सुथरा पैसा देंगे, नजराना देंगे। माह रमदान में ज़्यादा सवाब की नीयत से अदा करना जायज़ है, लेकिन ये ना हो कि छः महीने पहले हिसाब निकला और छः महीने से आपने रोकी हुई है, आप हिसाब ही रमदान में किया करें, ताकि रमदान में ही हिसाब हो, रमदान में ही अदा हो, देर ना हो। जो मुनकिर है वो काफिर है, जो नहीं देगा फासिक है, जो देर करेगा वो
गुनाहगार। किसी को ज़कात सदका दें तो जताएं नहीं, जताएं उसको एहसास मैंने तुझे इतने दिए। ला तुबतिलू सदकातकुम बिल मन वल अज़ा, एहसान जताकर तकलीफ देकर अपने सदक़े को बातिल न करो। खुश दिली से दे, किससे? अल्लाह ने दिया शुक्र करें, या अल्लाह देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। रज़ाए इलाही के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, उसी के दिए हुए से खर्च कर रहे हैं, अपना क्या कर रहे हैं? हमें हाथ पांव दिए कमाने के लिए अल्लाह ने, आंखें दी देखने के लिए अल्लाह ने, सारा जिस्म अल्लाह ने दिया, उसमें कुव्वत अल्लाह ने दी, तो उसकी दी हुई सलाहियतों से, उसी की नेमतों से कर रहे हैं, अपना क्या कर रहे हैं? देते हुए तकलीफ नहीं होनी चाहिए बल्कि खुशी होनी चाहिए कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस काबिल बनाया, मुझे मोहताज और मुफलिस नहीं बनाया। ये याद रखना चाहिए। समझ आ गई आपको? ये बुनियादी बातें थी। अब आपको मजीद कुरान की बातें। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। दूसरे मकाम पर फरमाया, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कति फ़ाइलून। जगह जगह फरमाया, अकीमुस्सलाता वातुज़्ज़का। अल्लाह फरमाता, खुज मिन अम्वालिहिम सदकतन तुताहिरुहुम बिहा। कुरान जगह जगह बता रहा है अल्लाह की राह में दिया जाए, अल्लाह की राह में देने, ये मोमिनों की निशानी है। ये नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, मेरे हबीब इनके मालों से इनका सदका लेकर इनको पाक करो, अल्लाह फरमा रहा है। अल्लाह फरमाता है, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा खैरल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सयतवक्कून मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा। सूरह आल इमरान में अल्लाह फरमाता है, और जो बुखल करते हैं, कंजूसी करते हैं उस चीज में जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता की, उस कंजूसी को अपने लिए अच्छा ना समझें बल्कि वो उनके लिए बुरा है। अन करीब वो जिसमें कंजूसी बुखल करते थे, क़यामत के दिन उनके गले का फंदा बन जाएगा। अल्लाह का दिया हुआ माल है, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, गुनाह भी होगा, सज़ा भी होगी, और वो बता दी गई। अल्लाह फरमाता है, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम आज़ामा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूकू मा कुन्तुम तकनिज़ून। और वो जो जमा करके जोड़ के रखते हैं सोना और चांदी और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें खुशखबरी सुना दो बड़े दर्दनाक अजाब की, जिस दिन वो सोना चांदी तपाया जाएगा जहन्नम की आग में, फिर उससे दागेंगे इनकी पेशानियां, इनकी करवटें और इनकी पीठें, और कहा जाएगा ये है वो जो तुमने अपने लिए जोड़ कर रखा था, अब चखो मजा इसको जोड़ने का, क्योंकि तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते थे, तो फिर उनको दागा जाएगा। मामूली सी दिया सलाई की तपिश बर्दाश्त होती है, और कोई धात अगर तपा दी जाए तो उसको आप पकड़ सकते
नहीं बर्दाश्त कर सकते, नहीं अंदाज़ा करें। आइए अब प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के इरशादात भी सुने। बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो रावी फरमाया, जिसको अल्लाह माल दे और वो उसकी ज़कात अदा न करे तो क़यामत के दिन वो माल गंजे सांप की शक्ल में कर दिया जाएगा। स्नेक, गंजा सांप, जिसके सर पर दो चितियां होंगी और वो सांप उसके गले में डाल दिया जाएगा, वो सांप उसकी बाछे पकड़ेगा और कहेगा, मैं तेरा वो माल हूं जिसकी तू ज़कात नहीं देता था। सुन रहे हैं? और सुने, तिबरानी में, इब्ने हिब्बान में, इब्ने खुज़ैमा में रिवायत मौजूद, हज़रत सौबान रदी अल्लाह ताला अन्हो रावी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का इरशाद, दुनिया में जिस माल की ज़कात अदा नहीं की गई, क़यामत के दिन वो माल अजदहा, बड़ा सांप बनकर मुंह खोले उस बंदे की तरफ दौड़ेगा तो वो शख्स डर कर भागेगा, अजदहा उसके पीछे दौड़ेगा। उस बंदे को कहा जाएगा, ले ये है तेरा वो ख़जाना जो तूने छुपा कर रखेगा, छुपा कर रखा था। फरमाया, जब अजदहा पीछे दौड़ेगा तो बंदा पूछेगा, तू कौन है? कहेगा, मैं तेरा बेज़कात माल हूँ जो तू छोड़ के मरा था। बंदा जब ये देखेगा कि वो अजदहा पीछा किए जा रहा है तो ये अपना हाथ खुद उसके मुंह में दे देगा, वो अजदहा इसका हाथ चबाएगा, थोड़ा थोड़ा करके सारा बदन चबा लेगा। सुन रहे हैं? जो ज़कात नहीं देते इनके साथ क्या होगा? सुना आपने? और सुने, मुस्नद बज़ार में बेहकी में रिवायत मौजूद, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, सब कहें रदी अल्लाह ताला, वो रावी फरमाती है कि ज़कात का माल जिस माल में मिलेगा, ज़कात अदा नहीं की हुई, वो माल जिस माल में मिलेगा उसे तबाह कर देगा। वो माल में मिली रही, उसकी ज़कात नहीं दी तो वो असल माल को भी ऊंची जी बंदिश हो गई है जी, ये हो गया। पहले चेक तो करो कि अपना हाल क्या है, कहाँ तुमने कोताही की है। तिबरानी में हदीस मौजूद, सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो रावी के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, खुश्की और तरी में, खुश्की और तरी में जो माल ज़ाया होता है वो ज़कात न देने से ही ज़ाया होता, कमाई गलत होगी या फिर उसकी ज़कात दुरुस्त नहीं, कहीं पैसा गड़बड़ होगा इसकी वजह से ज़ाया होता है। तिबरानी में हदीस मौजूद, इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हो रावी फरमाया, हमें हुक्म दिया गया कि नमाज पढ़ें और ज़कात दें, जो ज़कात नहीं देता उसकी नमाज कबूल नहीं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इसीलिए फरमा दिया था कि जो ज़कात अदा नहीं करेगा मैं उससे जिहाद करूँगा। ये नहीं होगा कि नमाज पढ़ें और ज़कात ना दें, जिस पर ज़कात लाजिम है उसको अदा करनी होगी। इस बहानी में रिवायत मौजूद, जो नमाज अदा करे और ज़कात ना दे उसका कोई अमल उसके काम नहीं आएगा। सुना? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, फरमाया, हुब्बे माल, माल की मोहब्बत और हुब्बे शरफ ओहदा मिल जाए, कोई जनाब जिम बड़ा नाम हो जाए, ये हुब्बे शरफ और हुब्बे माल आदमी के दीन को ऐसा तबाह करती है, दो भूखे बेड़िए बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं वो इतनी तबाही नहीं लाते जितना माल की मोहब्बत और ये दुनिया का शौक इंसान को तबाह करता। आप देख ही रहे ना, जिससे कोई हुकूमत मिल जाए, छिन जाए, क्या हाल होता है उसका, ये मेरे नबी ने पहले ही बता दिया।
مسند احمد میں روایت موجود، جو آپ کے پاس حرام غلط مال ہے اس سے خیرات قبول. اونچی گئی ہے جی. بس سال کے بعد جناب میلاد کر لیں گے، دو چار دیگیں بنا لیں گے، گیارہویں کر لیں گے، ایک عمرہ کر لیں گے، جناب آرام کماتے جاؤ، سارا سب خیر ہو جائے گی. نا، مال حرام سے خیرات قبول نہیں ہوتی. حرام سے صدقہ کرے تو قبول نہیں، خرچ کرے تو برکت نہیں، چھوڑ کے مرے تو سامان جہنم. لاٹری کا پیسہ، جوئے کا پیسہ، سود کا پیسہ، بتے کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، ناجائز کسی سے لوٹا ہوا پیسہ، جس کے پاس بھی ہے وہ سن لے اس میں سے تھوڑا سا خیرات کر دوں گا، ہے نہیں میں دوڑی سی دو دیگیں بنا کے داتا دربار پہ ادھر ادھر. نہ، مال حرام سے خیرات کرنا کیسا؟ جیسا ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونا، اس کو اور مزید پلید کرے گا. وہ یہ سمجھے، ہاں آپ کے پاس حرام پیسہ ہے، فوراً اپنے سے الگ کر دو. مستحقوں کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دو، اپنے سے فوراً دور کر دو، اس سے خیرات ہو سکتی. اونچی، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. حرام کھانے والے کی دعا آپ لوگ بہت ہی زیادہ کہتے ہو نا جی، کاروبار ایسا تھا ویسا ہو گیا. سوچا کرو، کہیں تمہاری زبان ہوگی، کہیں تمہارا کوئی اپنا عمل ہوگا. اللہ تعالی شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور حلال کمانے، حلال کھانے کو برکت کے ساتھ توفیق دے. کیمیائے سعادت میں روایت لکھی امام غزالی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کا دین محفوظ نہیں رہے گا، جگہ جگہ بھاگے گا، خود کو یوں چھپاتا پھرے گا جیسے لومڑی خود کو چھپاتی ہے. صحابہ نے عرض کی، حضور ایسا زمانہ کب آئے گا؟ فرمایا، جب روزی بغیر گناہ یعنی حرام کے ذریعوں کے بغیر نہیں ملے گی، اس وقت لوگوں سے علیحدہ دور رہنا حلال ہوگا. صحابہ نے عرض کی، حضور ایسے کیسے ہوگا؟ آپ نے ہمیں حکم دیا ہے نکاح کرنے کا، گھر بسانے کا حکم دیا ہے، تو پھر لوگوں سے دور رہنے کا کیا مطلب؟ فرمایا، اس وقت آدمی کی ہلاکت والدین کے ہاتھ سے ہوگی، ماں باپ کے. اگر والدین مردہ ہوں گے تو پھر بیٹے اور عورت کے ہاتھ سے ہوگی، بیوی کے. وہ بھی نہیں ہوں گے تو رشتہ داروں کے ہاتھوں ہوگا ہلاک. کیسے؟ وہ اسے تنگ دستی پر تانے دیں گے، تیرے پاس ہے کیا؟ دیکھ دوسرے کتنا کما رہے. ایسی اشیاء اس سے مانگیں گے جو وہ خود سے جائز پیسوں سے حاصل نہیں کر سکتا، تو وہ ان کے مطالبے پورے، ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے ناجائز ذریعے اختیار کرے گا اور ہلاک ہوگا. ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ اونچی، بے حقی میں حدیث موجود، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. میں نے جب پہلی بار پڑھی تھی تو مجھ سے تو سانس لینا بھول گیا تھا. قیامت کے دن بندہ قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اس سے چار سوال نہیں ہو جائیں گے. کوئی بندہ قیامت کے دن قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اس سے چار اونچی، مجھے سب کی توجہ چاہیے. پہلا سوال، اپنی عمر، اپنی زندگی کس کام میں گزاری؟ نمبر دو، جوانی کیسے گزاری؟ نمبر تین، مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا؟ چوتھا، اپنے عمل پر کہاں تک عمل کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ یہ چار سوال. کیا حال ہے ہمارا؟ ہوش میں ہیں ہم لوگ؟ مست ہیں، مست بدحالی میں مست. گم اور دیکھا جائے گا، کچھ مک مکا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہوش میں نہیں ہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئیں، زیور پہنا ہوا تھا رشتہ دار،
फरमाया अगर ज़कात नहीं दोगी तो यह तुम्हें जहन्नम में ले जाने को काफ़ी। बुखारी शरीफ हदीस सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा आदमी परवाह नहीं करेगा कहाँ से चीज़ मिल रही है, हलाल आराम की परवाह नहीं करेगा, बस कहेगा आने दो। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, फरमाया अल्लाह की कसम अल्लाह उस शख्स के सदक़े को कबूल नहीं फरमाता जिसके रिश्तेदार उसके सलूक करने के मोहताजों और ये गैरों को देता फिरे। क़यामत में अल्लाह उसकी तरफ नज़र नहीं फरमाएगा। आपकी सगी बहन भाई करीबी रिश्तेदार ज़रूरतमंद है मगर आप उनको नहीं दे रहे, दूसरों को दे रहे हैं, वहाँ नाम चाहिए आपको, फ़ोटो चाहिए, जिनको करीबी उनको नहीं दे रहे हैं, तो अल्लाह क़यामत के दिन आपकी तरफ नज़र ही नहीं फरमाएगा। रिश्तेदारों को देने के दो फ़ायदे, एक तो आपकी ज़कात सदक़ात अदा होते हैं, दूसरा सिला रहमी रिश्ते निभाने का फ़र्ज अदा होता है, उसका भी सवाब मिलता है। ज़कात न देने वाला यहूदो नसारा की तरह है, यहूदियों की तरह है, ईसाइयों की तरह है, यानी वो सही मोमिन ऊंची। सिर्फ मालदार बनने के लिए कमाना अच्छी बात नहीं है, खुद पे खर्च करे जायज़, बीवी बच्चों पे खर्च करे, इर्द गिर्द दोस्तों पर, मुसलमानों पर खर्च करे। हदीस हमें बताती है तिजारत में बरकत है, तिजारत में, तिजारत में, तिजारत करो। एक रिवायत बताती है रोज़ी के 10 हिस्से हैं, 9 हिस्से तिजारत में। तिर्मिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद, फरमाया जो तुम खाते हो उसमें सबसे पाकीज़ा वो जो तुम्हारे कसब से मेहनत से हासिल हो, और तुम्हारी औलाद भी मिन जुमला कसब के है, यानी उनसे कमाई में मदद। क्या मतलब? तुम्हारी असल कमाई कौन है? तुम्हारे अपने बच्चे हैं, घर वाले, उन पर खर्च करना जायज़, खर्च करना बहुत अच्छी बात है। नाजायज़ कमाई की ममानियत है, नाजायज़ कमाना, आवाज़ आए, नाजायज़ कमाना नहीं, नाजायज़ कमाना नहीं। और ज़ोर से नहीं। एक बार और कहें नहीं। बार बार कहलवाया, रमदान है, इसको अंदर नक्श कर लो कि नाजायज़ नहीं कमाना। नाजायज कमाई थोड़ी सी आएगी आपकी जायज कमाई को भी खराब कर देगी। हम मालिक नहीं हैं, अमीन हैं। मालिक कौन है हकीकी तौर पर? अल्लाह। तो मालिक के हुक्म के मुताबिक अमानत तसर्रुफ में लाई जाए, हमें अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। सदका देने वाले की कोशिश होगी कि नफ़े में से दूं ताकि मेरा असल माल बाकी रहे, तो मुनाफे में से जाएगा तो इसलिए ज़्यादा मेहनत करे। जब ज़्यादा मेहनत करते हैं आपको, मुल्क को, मुसलमानों को फ़ायदे होते हैं, माल भी पाक होता है और मोमिन को सवाब का लालच होता है। अल्कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का प्यारा है, दोस्त है, हबीब है। कौनैन के वाली, दो आलम के मुख्तार, मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हो गया बंद? आते हुए बंद करना गुनाह था ना? अल्लाहुम्म सल्ली वसल्लम बारिक अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलिही। हुजूर क्या दुआ फरमाते हैं? अल्लाहुम्म अहयिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन व अहशुरनी यौमल कियामति फी ज़ुमरतिल मसाकीन। ए अल्लाह मुझे मिस्कीनी की हालत में जिंदा रखना, मौत देना तो मिस्कीनी की हालत में, और क़यामत में मेरा हशर हो तो मिस्कीनों के साथ। ये कौनैन के वाली,
दुआ करते हैं, या अल्लाह एक दिन खाने को दे, एक दिन भूखा रख, जिस दिन खाऊं तेरा शुक्र अदा करूं, जिस दिन फाके से रहूं तेरी याद में रोता रहूं। मेरे नबी पाक मालिक कौनैन हैं, क्या हैं? कौन हैं? दोनों जहानों के, मगर दुनिया को इख्तियार नहीं, दुनिया को पसंद। सुने ध्यान से, मेरे नबी इख्तियारी गुर्बत, इज्तिरारी नहीं, ये नहीं कि मिलता नहीं था, उनकी ठोकरों में कायनात थी। खुद फरमाते हैं, लौशी तो लसारत माइया जिबालु जहब, मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोना बन जाएं, जब मैं चलूं तो मेरे साथ चलें। लेकिन नबी ने ये पसंद, ये नहीं कि उनको मिलता नहीं था, सारी पूरी कायनात उनकी ठोकरों में है, उन्होंने दुनिया को पसंद ऊंची कही है। क्या है तकिया? किस चीज को बना लेते हैं हम? नरम गरम, नरम से नरम तकिए ढूंढते हैं हुजूर, कभी पत्थर को तकिया बना लेते हैं, कभी ईंट को तकिया बना। मेरे नबी ने सादगी, चटाई है खजूर की बनी हुई, उसके निशान जिसमें अकदस पर बन जाते हैं। हजरत उमर रोने लग गए, हुजूर ये ईसाई, ये यहूदी, ये दुनिया वाले मजे कर रहे हैं नरम नरम कालीनों पर, और आपका ये मामला। फरमाया, मैंने दुनिया को इख्तियार, दुनिया को इख्तियार। इज्ज़त तो देखो, अल्लाह अकबर, तकिए के बदले ईंट या पत्थर, और सरवरे आलम का सरे अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। खाना जो खाना, जौ की रोटी, अनछना आटा, रोटी मोटी, वो भी शिकम भर, रोज ना खाना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु। कब्जे में जिसके सारी खुदाई, उसका बिछोना एक चटाई, नजरों में कितनी हेच है दुनिया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु मालिक दीनो दुनिया होकर, दोनों जहां के दाता होकर, फाके से है सरकारे दो आलम, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कभी थोड़ी खजूरें खाना, पानी पीकर फिर रह जाना, दो दो महीने यूं ही गुजारा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
صلی اللہ صلی اللہ اندازہ کرے اللہ سنیں توجہ سے سنیں مخدومہ کائنات ام السادات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ روٹی پکائی نبی پاک کی بارگاہ میں لے کے آئیں ابا جان تین دن کے بعد گھر میں آٹا آیا میں نے روٹی پکائی میرا دل نہیں چاہا آپ کے بغیر کھاؤں حضور نے فرمایا بیٹی تیرے باپ نے بھی تین دن سے کچھ نہیں کھایا میں نے پہلے آپ کو بتا دیا یہ نہیں کہ ملتا نہیں تھا انہوں نے دنیا کو پسند ہم اتنا کھائیں اور شکر نہ کریں تخت بھی ان کا تاج بھی ان کا دونوں جہاں میں راج بھی ان کا جنوں ملک ہیں ان کے سپاہی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شکر کرنا سیکھیں شکر کرنا سیکھیں اتنی نعمتیں ہیں اور ہم شکر نہیں کرتے اپنے بچوں کو شکر سکھائیں جو ہم نے سکھایا ان کی غلط فرمائشیں پوری کرتے کرتے ان کو ایسا بگاڑ دیتے ہیں پھر ان کے منہ سے غلط لفظ نکلنا شروع ہو جاتے اپنے سے نیچے دیکھو کتنے لوگ ہیں جنہیں دو وقت یا ایک وقت کا بھی کھانا پورا میسر نہیں ہمیں کتنی نعمتیں حاصل ہیں ہر وقت اللہ کا شکر کریں اللہ سے پیار کریں جو اس سے پیار کرے گا اس پر بے پناہ نعمتیں اس کی طرف سے آئیں گی میرے دوستو انسان کی عقل کو سمجھایا گیا درخت ہوتے ہیں درخت میں اجزائے فاسدہ اس میں ایسی چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں جو درخت کی اٹھان کو روک دیتی ہیں کوئی کہے کہ اس کو کاٹنا نہیں ورنہ اتنا درخت کم ہو جائے گا تو آپ کہیں گے تمہیں سمجھ نہیں ہے عقل والا جانتا ہے کہ چھٹائی کروں گا تو یہ درخت اور زیادہ پھیلے گا پھلے گا پھولے گا یہی حساب اس مال کا ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہو گئی زکوٰۃ کی ادائی سے مال محفوظ رہے گا اور بڑھے گا کیونکہ رب کا وعدہ ہے انسان سوچے بیج پاس نہیں ہے تخم کہتے ہیں بیج کو سیڈ کو وہ پاس نہیں ہے بڑی مشکل سے قرض لے کر دانا لیا پھر زمین میں ڈالا اس وقت تو خاک میں ملا دیا مگر بتاؤ یہ کھونا پانے کے لیے ہے یا نہیں بظاہر کھو رہے ہیں مگر حقیقت میں پانا ہے تو کیا اس کسان کے برابر بھی عقل نہیں اللہ فرماتا زکوٰۃ سے مال بڑھے گا ہم یقین نہ کریں اور سنیں ٹیکس دینے والو بھتہ رشوت سود یہ سارا کچھ دینے والو مجھے یہ بتاؤ کیا ٹیکس کا بھتے کا رشوت کا سود کا ان چیزوں کا کوئی ثواب ہوگا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا پکڑ ہے یا نہیں مگر گوارا ہے مگر باپ کو گوارا ہے زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے وہ کیوں گوارا نہیں ہے جبکہ اس میں ثواب ہے فائدہ ہے نیکی ہے خوشی ہے اور مہربانی مہربانی سنیں میں ہر سال آپ کو یاد کرواتا ہوں پھر سن لیں خرچ کے تین طریقے ہوتے ہیں خرچ کے پھر کہیے گا انفاق نام لیں سب الف نون فے الف قاف انفاق دوسرا ہے اسراف
अलिफ सीन रे अलिफ फे इसराफ, ठीक है। तीसरा है तबजीर, ते बे जाल ये रे तबजीर, इनफाक इसराफ तबजीर। ये तीन तरीके हैं खर्च के, सुन लें सब ध्यान से। इनफाक जायज खर्च करना, जायज खर्च करना अपने ऊपर, बच्चों पर, दूसरों पर जायज खर्च करना जो है वो क्या कहलाएगा? इनफाक। फजूल खर्ची इसराफ कहलाएगा, फजूल खर्ची, नाजायज खर्च तबजीर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कुरान में है इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, ये नाजायज खर्च करने वाले शैतानों के भाई हैं। कोई आपको शैतान का भाई कहे आपको पसंद होगा? तो फिर ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? एक शख्स दाढ़ी मूंड रहा है, शेवटी है उसके पास, बेहतरीन किस्म की करीम है जनाब, शानदार किस्म का बुर्श है, सुबह सुबह रगड़ के कर रहा है, वो जितने पैसे उस पर खर्च किए वो तबजीर, नाजायज खर्च है। गलत चीज पर जो भी खर्च किया है वो नाजायज खर्च है, उस पर गुना होगा, उस पर पकड़ होगी। जायज खर्च करेंगे सवाब मिलेगा, इसराफ करेंगे तो अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद। ला युहिब्बुल मुसरिफीन, कुरान में फजूल खर्ची करना अच्छी बात, मगर बाज़ लोगों को शेखी बिगाड़ने की आदत होती है। वो चार पांच दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने कहा यार जरा हम अपना दिखाएं दुनिया को। उसने सिगरेट पीनी थी, उसने जेब से जनाब 100 रुपए का नोट निकाला, उसको आग लगाई और सिगरेट सुलगा ली। दुनिया को दिखा रहा है मेरे लिए 100 रुपया कोई चीज़ नहीं, देखो मैंने इससे सिगरेट सुलगा। दूसरे ने कहा तू ज़्यादा अमीर है, मैं 500 का नोट निकालूंगा। उसने 500 का निकाला। तीसरे ने कहा मैं 1000 का निकालूंगा। चौथे ने कहा मैं 5000 का। सब कोई छठा आप जैसा समझदार बैठा था, उसने जेब से चेक बुक निकाली, 1,00,000 रुपए का चेक काटा और उसको आग लगा के उसने सिगरेट सुलगा ली। ये शोखी दिखाना, शोखी बिगाड़ना, शेखी बिगाड़ना आपके साथ काम आराम से हो सकता है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो फजूल खर्ची अच्छी बात है। लोगों को होती है ना, किसी ने पूछ लिया भाई क्या करते हो, उनका मेरे कौन से बिजनेस का पूछते हो, मेरे तो बहुत सारे बिजनेस हैं, आप किसका पूछ रहे हो? उसने कहा भाई वो बहुत बड़ी चीज़ है। कहाँ रहते हैं? उसने कहा जी मेरे तो बहुत सारे घर हैं, आप किस घर का पूछते हैं? अच्छा जी। उसने कहा जी कौन सी गाड़ी? उसने कहा जी बहुत सी गाड़ियाँ हैं मेरी, आप किस गाड़ी का पूछते हैं? उनका जी आपके वालिद क्या करते हैं? कहने का मेरे बहुत से वालिद हैं, किसका पूछ रहे? कहते हो फिर आदमी काबू में नहीं रहता, इस तरह की बात निकलती है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, दिखावा अच्छी बात, ये आपकी नेकी को ज़ाया कर देता है। मैं बड़ा सख्त मसला सुना रहा हूँ, जिन्होंने नहीं सुना सुन लो। आपने कोई नेकी की अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला आपको सवाब देगा अपनी शान के मुताबिक। आप उसको बतौर फ़ख्र बयान करते हो दूसरों को बताने के लिए कि मैं कितना नेक हूँ, मुझे अच्छा समझो। आप इस शौक़ से बयान करते हैं, आपका आधा सवाब ख़त्म। आपने दूसरी बार बयान की पूरा सवाब। कितनी बार जिक्र करते हो मैंने ये किया मैंने किया, मकसद ये कि ये मुझे नेक समझे, मुझे अच्छा समझे, आपका पूरा सवाब ख़त्म। तीसरी बार बयान किया आपके लिए गुनाह लिखा जाता है। और हम ये हरकतें करते हैं या नहीं करते? सोचे सोचे। अल्लाह ताला हम सबको शुक्र की तौफीक दे, नेकी की तौफीक दे। फुकाहा का मसलक, फुकाहा कहते हैं, फुकाहा का मतलब दीन को समझने वाले, वो कहते हैं 100 पे 250 रुपए दे दो। फुकारा कहते हैं अल्लाह के लिए जो फ़क्र करते हैं, वो कहते हैं 97.5 अल्लाह की राह में दे दो, 250 खुद रख लो। जो उशाक है, आशिकों का मसलक क्या है अहले मोहब्बत, वो कहते हैं सब कुछ दे दो और शुक्राने में जान भी दे दो। इस पर अमल करके दिखाया एक हस्ती ने जिसका नाम सिद्दीक़ अकबर रदिया।
अपनी जान भी दी, माल भी दिया, औलाद भी दी, सब कुछ दिया। इतने प्यारे लोग और कैसे कैसे लोग, अहले कमाल सूफियाए किराम, हज़रत शर्फुद्दीन यहया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस गिरोह ने, सूफिया के गिरोह ने अपनी जानो माल को हार दिया है और अल्लाह के सिवा किसी से दिल नहीं लगाया। इस गिरोह का मकोला है, कहना दरवेश वो जिसका माल वक्फ, दरवेश वो जिसका माल वक्फ, जिसका खून मुआफ, जिसका खून, और उसको अपनी जानो माल पर कोई दावा ना हो। अगर लोग उसका माल उठा कर ले जाएं तो खुश हो के अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर से बोझ हट गया, उसके और रब के दरमियान जो एक पर्दा पड़ा हुआ था वो उठ गया, यहाँ तक कि उनका कहना है कि दुनिया की दौलत को जमा करके ज़कात देना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बुखालत कंजूसी तारीफ़ के काबिल नहीं, और उसके लिए साल में 200 दिरहम जमा हों, फिर वो साल भर जमा रहें, तब जाकर 5 दिरहम उनमें से सदका किए जाएँ। वो कहते हैं ये कंजूसी की बात है, अल्लाह वाले दौलत जमा होने ही नहीं देते। आज ऐसे नजर आते हैं, आज ऐसे नजर आते हैं, पूछ रहा हूं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, चीज का जो भी कोई चीज हो उसका सही जगह इस्तेमाल बरकत है। अगर इस्तेमाल में ना आए या फजूल खर्च हो या जाया हो तो बेबरकती है। हमारे पैसे दवाओं पे लग जाएं, हमारे पैसे इधर उधर फजूल खर्च हो जाएं, तो क्या वो सही जगह खर्च हुए? ऊंची जी मौलाना साहब, डिप्रेशन तब आप मस्जिद में आए हैं या किसी बाजार में आए हैं, तो आपसे फोन बंद क्यों नहीं होते? मस्जिद में आके आप मौसीकी बजाते हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? अल्लाह के घर आए हो या कहां आए हो? बार बार घंटियां बज रही हैं, ये हम मुसलमान हैं जो जन्नत में जाना चाहते हैं, मस्जिद में आके मौसीकी बजाते हैं। अल्लाह हमें माफ करे, दुरूशी पढ़े, अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। डिप्रेशन हो गया जी, बेजारी हो गई तबीयत में जी, कुछ दिल नहीं लग रहा। पता है क्यों नहीं लगता? गलत लफ्ज बोलते हैं, गलत लुक में खाते हैं। जब मुंह से गलत बातें करोगे डिप्रेशन होगा, जब गलत लुक में खाओगे तो, गलत लुक में से मुराद सिर्फ हराम खाना नहीं, जो हराम से कमाया हो वो भी। आप कहोगे जी गोश्त हलाल है, वो पूछ सकता है आपसे जो पैसे लेके आए हो वो हलाल कमाई के हैं। ये हमारे मसाइल असल में यही हो गए, हमने अब परवाह करनी छोड़ दी क्या हलाल है क्या हराम है। जकात अदा नहीं की तो कोई नफल कबूल नहीं होगा। फुतूहुल गैब में हजरत सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन बड़ी प्यारी बात समझाते हैं, फरमाते हैं जकात ना देने वाले जरा सुने, वो फरमाते हैं बादशाह बुलाए किसी को, कौन बुलाए? खिदमत के लिए बुलाए, और जिसको बुलाया है वो वहां ना जाए, बादशाह के गुलाम के पास बैठा रहे। समझदार है वो, बुलाया किसने वहां नहीं गया, उसके गुलाम के पास, क्या उसको कुछ मिलेगा? ज़कात अदा करके रब को राजी करना है, वो नहीं कर रहे, नफल में लगे हुए हैं, इधर उधर दूसरा खर्च कर दिया जो वाजिब है। अगर खर्च नहीं करोगे तो फिर आपको कोई भी कबूलियत मिल सकती नहीं। सुने, जो लोग दुनियावी गरज से रिफाही चैरिटी में खर्च कर रहे हैं वो फर्ज से क्यों गाफिल है? अगर वो ज़कात नहीं दे रहे और बाकी लगे हुए हैं दुनिया के साथ, ये चैरिटी वर्क है, कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप पर ज़कात है तो ज़कात अदा करना लाजिम। अवारिफुल मआरिफ,
حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب، وہ کہتے ہیں وہ بندہ بڑا ہی نادان ہے جو قرض ادا کرنے سے پہلے تحفہ پیش کرے، اس پر کیا ہے لازم ہے، اس کو کیا قرض اتارنا چاہیے یا تحفے دینے چاہیے؟ اونچی قرض ادا نہیں کر رہے اور تحفے دے رہے، تو سمجھداری کی بات نہیں. فصل بونے والا خواہش مند کے پیداوار گھر لائے، نفع کا طالب ہوتا ہے، پہلے بیج کھاد پانی وغیرہ کے لیے خرچ کرتا ہے، پھر انعام پاتا ہے. اسی طرح دنیا آخرت کی کھیتی، دنیا آخرت کی کھیتی، اور دنیا نے رہنا نہیں، اس دنیا نے کسی سے وفا، رب کا دیا دینا ہے، اس کی راہ میں دیں گے ثواب بھی ہوگا، کامیاب بھی ہوں گے اور فائدہ بھی ہوگا. دولت کی مثال سبزہ زار کی ہے، جیسے گھاس ہوتا ہے کاٹا جاتا ہے، اچھا جی جو زیادہ چارہ کھا لے نا وہ جانور ہلاک ہو جاتا ہے، جو پیٹ بھر کھا کے جانور جگالی کرتا ہے دھوپ میں پھر فضلہ باہر نکال دیتا ہے، پھر بھوک لگی پھر کھایا، جو خود کو ایک ہی کیفیت میں رکھے وہ اپنا حال دیکھ لے. مالدار اکثر بیمار، مالدار سو فکریں غم ہیں، پرہیزی کھانا کھا رہے ہیں، پچاسوں قسم کی دوائیں کھا رہے ہیں. تو یہ مالدار دیکھیں یہ کیوں ایسی نوبت آتی ہے، کیوں ایسا حال ہوتا ہے، تو ہمیں نظر رکھنی چاہیے. جمع کرنے والا مال کیا ہے دنیا میں؟ معاون ایمان بیوی، ایسی بیوی جو ایمان میں آپ کے ساتھ مدد کرے. شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، یہ جمع کرنے والا مال ہے اگر کوئی سمجھدار ہے تو. ہیں اس کے منہ پر کیا رہے ہر وقت؟ اللہ ہو اللہ ہو، وہ لا الہ الا سبحان اللہ الحمدللہ، یہ ذکر کرتا رہے، یہ سب سے کامیابی کی بات ہے. ہماری اسلام کی مقدس جماعت کا نظام دو بنیادوں پر، ایک روحانی ایک مادی. زکوٰۃ مالی سرمایہ، یہ اسی لیے صدیق اکبر نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا تھا تاکہ نظام درم برم نہ ہو. یہ ہم زکوٰۃ دے کر پاکی حاصل کرتے ہیں، زکوٰۃ مال کی میل، خود پاک ہوتے ہیں. اس کی وجہ وہ میل جو ہم میں آتی ہے وہ مراد ہے. بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ذرا دھیان سے سنیں، میرے آقا نے فرمایا سونے کی ایک وادی ہو تو بندہ چاہے گا دو ہو جائے، دو ہوں گی تو کہے گا تین نہیں. وہ بندہ کا ہونا جو دو سے تین کرے، آپ لوگ تو ڈبل ڈبل ملٹی پلائی. فرمایا ایک ہو تو کہے گا دو، دو ہوں گی تو کہے گا چار ہو جائے. آدمی کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. کچھ رہ گیا، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی. حضرت ابراہیم کا لقب ہے خلیل اللہ. فرمائشیں ہر سال آپ کی بار بار سناتا ہوں، آپ بار بار سنتے ہیں. لوگ کہیں گے اس کو کچھ اور آتا نہیں ہے، یہ نہیں پتا کہ یہاں بار بار وہی فرمائش ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم کا لقب خلیل اللہ، خلیل پیارے گہرے دوست کو کہتے ہیں. دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں ہی بکریاں، بکریاں ہی بکریاں. فرشتے نے کہا یا اللہ اتنا دیا ہے اس لیے یہ تجھے یاد کرتے ہیں. فرمایا یہ ہر حال میں مجھے یاد کرے گا، اس کو مجھ سے زیادہ پیارا کوئی نہیں. یا اللہ اجازت ہے ذرا میں امتحان لے لوں؟ اللہ نے دے دی اجازت. وہ فرشتہ آیا سامنے کی پہاڑی پر بیٹھ کر، اس نے رب کی تسبیح پڑھی. رب کی تسبیح، رب کی تسبیح کا لفظ آپ موتیوں کی مالا کو کہتے ہو، جس پہ تسبیح کا مطلب پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ پڑھنا، اس کو تسبیح کہتے ہیں. آپ وہ موتیوں کی مالا کو بھی، چونکہ اس پہ آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، تو اس کا نام بھی آپ نے تسبیح رکھ دیا. اس کا نام سبحہ. اس کا نام کیا ہے؟ سب. آج کل تو کاؤنٹر آ گئے، اب آپ تسبیح سے بھی گئے کاؤنٹر پہ آ گئے، اس کے بعد پتہ نہیں اور کیا آئے گا. بہرحال توجہ، اس نے آ کے تسبیح پڑھی. سبحان
قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز سنی, کدھر سے آئی آواز؟ سامنے دیکھا, اے بندے تو نے میرے رب کا نام لیا, مجھے بہت اچھا لگا, مجھے بہت لطف آیا, ایک بار اور لے دے. اس نے پھر پڑھا, سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. آنکھوں سے آنسو جاری, بھائی تیرا پڑھنا بہت اچھا لگ رہا ہے, لازمی بات ہے میں تجھے بار بار نہیں کہہ سکتا, دیکھ یہ ساری بکریاں میری ہے, دیکھ رہا نا, ایک بار اور سنا دے, 10 بکریاں دوں گا. اس نے پھر پڑھا, یہ بکریاں دیتے رہے رب کا نام سنتے رہے. بکریاں ختم ہو گئیں, جی نہیں بھرا. بکریاں ختم ہو گئیں, ارے سن, میرے پاس اتنی بکریاں تھیں اب اور نہیں ہیں, اگر تو میری بات مانے, یہ بکریاں چرانا آسان کام نہیں ہے, بڑا مشکل کام ہے. دائیں طرف لے جاؤ تو کدھر جاتی ہیں؟ بائیں طرف. تو سن, میں تجھے کہتا ہوں, یہ بکریاں ہو گئیں تیری, بکریاں ہو گئیں, مجھے ساتھ لے لے, تو مجھے میرے رب کی تسبیح سناتا رہنا, میں تیری بکریاں چراتا رہوں. اندازہ کرے, ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں رب کی محبت کا, جو محبت والے ہیں ان کے انداز دیکھیں. اپنے رب سے بہت پیار کرو, اپنے رب سے بہت پیار کر کے دیکھو, وہ اتنا دے گا, وہ اتنا دے گا, سنبھالا نہیں جائے گا. جو رب سے پیار کرتے ہیں وہی کامیاب رہتے ہیں. ہم نے دنیا 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 ہے, کسی طرح کچھ مل جائے, کچھ کسی طرح بڑھ جائے, ہم لوگ اسی میں لگے رہتے ہیں, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی پلے رہتا. جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ سے بچ جائیں, صدقے سے بچ جائیں, مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک واقعہ لکھا, سنیں. موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا, اس نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہا, مجھے شوق ہے کہ جانوروں کی بولیاں مجھے آ جائے, مجھے جانوروں کی زبان بولیاں سیکھنے کا شوق. فرمایا, فضول شوق ہے, اللہ اللہ کیا کر, غلط چیزوں کے شوق سے کچھ حاصل فضول ہے, بے فائدہ چیز ہے, بے فائدہ چیز کی خواہش نہیں کرنی چاہیے. اس نے کہا, نہیں حضرت, دیکھے نا, چلے اور کوئی نہیں تو میرے گھر میں جو پالتو جانور ہے جن کو پالا جاتا ہے, ایک مرغ ہے ایک کتا ہے, ان دونوں کی زبان سکھا دیں, اتنا ہی کر دیں. ضد کی موسیٰ علیہ السلام کے پاس بار بار آ کے, آپ نے بار بار اس کو سمجھایا, ایسا ہی بات نہ کر, نقصان ہوگا. اللہ کی طرف سے جواب ملا, موسیٰ یہ جب نہیں مانتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کو سکھا دو, یہ جب نہیں مانتا تو اس کو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اجازت دی, انہوں نے اس کو زبان سکھا دی. بڑا خوش خوش گھر آیا آزمائش کے لیے, صبح دروازے میں کھڑا تھا, خادمہ نے گھر کی دسترخوان جھاڑا, روٹی کا ٹکڑا گرا تو مرغ دوڑا اور اس نے وہ ٹکڑا چپٹ لیا. اب یہ چونکہ اس کو زبان آ گئی تھی, کتے نے کہا, تو نے مجھ پر ظلم کیا ہے, تو دانا بھی کھا سکتا ہے, میں اس سے عاجز, تجھے یہ میرے لیے چھوڑ دینا چاہیے تھا. یہ چونکہ اب آپ اس کو زبان آ گئی تھی, یہ سن رہا تھا. مرغی نے کہا, جو مرغ تھا گھر میں, اس نے کہا, کل تجھے ہڈی بھی ملے گی, گوشت بھی ملے گا, اس مالک کا جس کے گھر میں ہم رہتے ہیں گھوڑا مرے گا. تو میں تو گوشت کھاتا نہیں, مرغ نے کہا, میں تو گوشت کھاتا نہیں, سارا کچھ تیرے لیے, یہ فکر نہ کر.
इसने जब ये बात सुनी है मेरा घोड़ा मर जाएगा। उसी वक्त गया बाजार में जाके घोड़ा। अगले दिन मुर्ग शर्मिंदा हो गया। दूसरे रोज फिर मुर्ग टुकड़ा ले उड़ा। कुत्ते ने फिर एतराज किया। मुर्ग ने कहा फिक्र न कर, आज इसका खच्चर मरेगा, दूसरा जानवर जो इसके पास है वो मरेगा। इसने खच्चर भी बेच दिया। खच्चर भी इसने बेच दिया, नुकसान से अपने आप को बचाऊं। मुर्ग फिर शर्मिंदा हो गया, बड़ा चालाक आदमी है देख। उसने कहा फिक्र न कर, कल इसका गुलाम मरेगा, इसका उसके रिश्तेदार सदका करेंगे, आदमियों कुत्तों को खाना मिलेगा। इसने गुलाम भी बेच दिया। आवाज समझ आने लग गई, बोली समझ आने लग गई, इसने गुलाम भी बेच दिया। अब मुर्ग और ज्यादा शर्मिंदा। कुत्ते ने कहा तू रोज कहता है ये जिसका नाम तू लेता है ये उसको बेच देता है। उसने कहा अब तेरे लिए फिक्र की कोई बात नहीं है, तू बिल्कुल नहीं घबरा, तेरे फाके सब खत्म, कल ये खुद मरेगा, कल ये खुद मरेगा, वारिस गाय जबा करेंगे, तू अच्छी तरह पेट भर के खा लेना। अब इसके होश उड़ गए, अब अपने आप को कहां जाके बेचे, होश उड़ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया, सारी बात सुनाई, फरमाया खुद को भी बेच के नुकसान से बचा ले, तूने घोड़ा बेचा, खच्चर बेचा, गुलाम बेचा, तो अपने आप को भी बेच के बचा ले, किसी और पर अपना नुकसान डाल दे। तूने अपने आप को नुकसान से बचा के दूसरे पे नुकसान डाल दिया। फरमाया कजा का तीर कमान से निकल चुका, तुझे पहले कहा था ये बोलियां ना सीख, तेरा गुलाम मरता, तेरा घोड़ा मरता तो तेरी जान का सदका होता, तुझ पर से बलाएं टलती, तूने अपने आप को पैसे की खातिर बचाने के लिए, पैसे बच जाएं, तूने अपने अब बोली लगा, अब देख क्या होता है, ये चीजें तेरा सदका बन रही थी मगर तुझे समझ नहीं आई, अब तू बच नहीं सकता, मैं सिर्फ इतनी दुआ करता हूं अल्लाह तेरा खात्मा ईमान पे कर दे। गैर नाफे, जिसमें नफा ना हो उस इल्म से कोई फायदा है? अपने इल्म से किसी को नुकसान पहुंचाना कोई कमाल है? नुकसान पहुंचाकर कोई नफा हासिल करना कोई अच्छी बात है? अरे छोटी बलाएं बड़ी बलाओं को रद्द करती है। घोड़े खच्चर की ये इसकी कजा को टालने वाले थे। इसी तरह हमारा जकात सदका कितनी चीजों को टालता है हमें समझ। आपने ये सुन लिया, अब सुने जरा ध्यान से सुने, जो लोग खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, ये तो आपने सुन लिया ना कि जो नहीं करते हैं उनका क्या हाल होगा, अब ये सुने जो करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मसलुल्लज़ीना युन्फिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बा अंबतत सबा सनाबिला फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। उन लोगों की कहावत मिसाल जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उस दाने की तरह है जिसको बोया जाए तो वो उगाता है 7 बालें और हर बाल में 100 दाने, तो कितने हो गए 1 से 700। और अल्लाह इससे भी बढ़ा दे जिसके लिए चाहे। एक सिक्का देते हो कितना मिलता है? कम से कम 700। फायदा है या नहीं है? ऊंची अंदाज़ा कर लें। और आप पहले सुन चुके हैं आयतें, जो लोग जोड़ के रखते हैं माल और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते उनका क्या हाल होता है। सहाबाए किराम, अहले बैत, अज़वाजे मुतहरात, उनके पास लाखों के नजराने सुबह आते थे, शाम को सूरज गुरूब होने से पहले उनके पास एक दिरहम नहीं बचता था, अल्लाह की राह में दे देते थे। और हम देते हुए कितने तंग होते हैं, हमारा हाल क्या है? एक फकीर आया, आपके यहाँ फकीर कहते हैं मांगने वाले को, हालांकि मांगने वाला फकीर नहीं होता, भिखारी आया।
अल्लाह के नाम पर दे दो, आपको अच्छा लगता है? पूछ रहा हूँ, गुस्सा आता आपको, क्यों मांगा इसने? फिर आप समझते हो नहीं जी हालात ऐसे हैं, इसके पास नहीं है, महंगाई बहुत है। आप जेब में हाथ डालते हो, पहले होते थे सिक्के होते थे चवन्नी अठन्नी, आजकल तो एक रुपए से कम का सिक्का नहीं, और एक रुपए का सिक्का नज़र भी कम ही आता है। बहरहाल आपने उसको कुछ दिया, उसने लेके देखा कि इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा, रोटी भी नहीं आती, उसने दोबारा कह दिया अल्लाह के लिए कुछ और, आपको दोबारा उसका मांगना और ज़्यादा बुरा लगता है। बहरहाल आपने दे दिया दोबारा, अब वो तीसरी बार मांगे तो आप चुप रहेंगे? ज़रूर उसको टोकेंगे, कमाया करो, मेहनत किया करो, मांगना अच्छी बात नहीं है। दे दिया, बार बार मांग रहे, आप कुछ ना कुछ कहेंगे, प्यार से कहें, डांट के कहें, आपको तीसरी बार उसका मानना मांगना अच्छा नहीं लगा। किसके नाम पर मांगा उसने? ऊंची आपका बेटा आया, पोता आया, नवासा आया रोता हुआ, आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम कितनी महंगी मिलती है, आपने फौरन जनाब 50 का नोट निकाला दे दिया। बच्चा गया आइसक्रीम ली, आइसक्रीम खाता हुआ आया, आइसक्रीम गिर गई, रोता हुआ आया, आइसक्रीम गिर गई, आप दूसरा नोट दे देते हैं या नहीं? ऊंची बच्चे को बच्चा ज़्यादा प्यारा है, अल्लाह ज़्यादा प्यारा है? ना 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 ना, ना सोच के बोले। अल्लाह के नाम पर मांगा था तो आपकी तेवरी पे बल आए थे, आपको अच्छा नहीं लगा था। आपके बच्चे ने मांगा तो आपने फौरन खुश दिली से परवाह नहीं की, बड़ा नोट निकाल के दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बच्चे को ना खिलाएं, बच्चों को ना दें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अल्लाह के लिए सब कुछ दे दें। आप पर बच्चों का हक है, बीवी का हक है, रिश्तेदारों का हक, लेकिन आप भले से एक रुपया देते अल्लाह की राह में खुश दिली से देते, मुंह ना बनता आपका, आप खुश दिली से देते, आप खुश दिली से देते तो वो आपके लिए सवाब का अजर का बायस हुआ। आप तंग दिल हुए, पता क्या चला? जितनी मोहब्बत बच्चे से है अल्लाह से इल्ला माशाल्लाह, सबका हाल एक जैसा नहीं। कोशिश करें जब भी दें अल्लाह के लिए शुक्र करें कि या अल्लाह इस लायक हूं कि तेरी राह में खर्च कर रहा हूं, मांग नहीं रहा बल्कि तेरी राह में दे रहा। इस देने का फायदा क्या होता है जरा सुने। तिर्मिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद, हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो रावी, अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई, लम्मा खलकल्लाह अल-अर्दा जालत तमीदु, अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई तो ज़मीन हिलने लगी, ज़मीन अल्लाह ने पहाड़ों को बनाया, ज़मीन में पहाड़ बना दिए, ये पहाड़ जितने ऊपर होते हैं उतने अंदर होते हैं, उसकी वजह से ज़मीन का हिलना बंद हो गया। फरिश्तों ने अर्ज़ की या अल्लाह ये पहाड़ इतनी सख्त चीज़ कि इन्होंने ज़मीन का हिलना बंद कर दिया, क्या कोई चीज़ इन पहाड़ों से भी ज़्यादा सख्त और ताकत वाली है? फरमाया लोहा। अल्लाह ने क्या फरमाया? आप लोहे से पहाड़ काट लेते हैं या नहीं काट लेते? अच्छा लोहा, या अल्लाह लोहे से भी ज्यादा कोई सख्त और शदीद चीज है? फरमाया आग। लोहा आग में गल जाता है या नहीं? या अल्लाह आग से भी कोई ज्यादा सख्त चीज? फरमाया पानी। पानी आग को बुझा देता है या नहीं? या अल्लाह कोई इससे भी ज्यादा, पानी से भी ज्यादा? फरमाया हवा। हवा आ जाए तूफान बन जाता है या नहीं? कितनी चीजें, पहाड़ हैं, लोहा है, आग है, पानी है और हवा, कितनी। अल्लाह खुद फरमा रहा है ये ताकत वाली चीजें, फरिश्तों को जवाब दे रहा है। फरिश्तों ने अर्ज की या अल्लाह इनसे भी ज्यादा कोई सख्त चीज? काला नाम।
आदम का बच्चा, आदम का बेटा यानी इंसान, तसद्दका बिसदकतिन बियमीनिही युख्फीहा मिन शिमालिही। आदम का बेटा दाएं हाथ से कुछ अल्लाह की राह में दे, बाएं को पता ना हो, वो इससे ज़्यादा ताकत वाली चीज़। अल्लाह की राह में आप खामोशी से जो देते हो उसकी कुव्वत का आपको अंदाज़ा नहीं। फरमाया जो बुरी मौत से बचना चाहे अल्लाह की राह में सदका करे, जो अल्लाह के ग़ज़ब को ठंडा करना चाहे वो अल्लाह की राह में सदका करे। तो जो सदका खैरात ज़्यादा करते हैं बलाओं से, बलाओं से बचे रहते हैं। रमदान में ज़कात भी है, फितरा भी है। क्या है? फितरा माल पर नहीं है, फितरा अफराद पर है। किस पर है? रोज़ा रखा है या नहीं रखा, हर साहिब निसाब को फितरा भी अदा करना है, अपना भी। अगर उसके ज़ेरे कफालत बच्चे हैं, बीवी बच्चे, उनका भी। ये माल पर नहीं, अफराद पर है। जो फितरा नहीं देगा उसके रोज़े अल्लाह की बारगाह में पेश भी नहीं होंगे, कबूल होना तो दूर की बात। इसके दो फायदे। ईद से पहले फितरा दिया जाता है रमज़ान में, आप यकम रमज़ान से ईद की नमाज से पहले तक ये फितरा अदा करें तो जो कमज़ोर नादार लोग हैं उनको पैसे मिल जाते हैं, वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो जाते हैं, और आपके मुंह से कोई लगव कलाम निकला हो तो उसकी सफाई हो जाती है। अब आम तौर पर लोग जो हैं वो फितरा अदा करते हैं जी। अखबार में आ गया जी, कितना है जी? 2 किलो आटे की कीमत। उसका जनाब वो लगाएंगे हिसाब और फौरन कहेंगे कि ये दे दिया जाए। अब आम आदमी के लिए तो हो गया, लेकिन जो ख़ास आदमी है वो भी उतना ही दे तो अच्छी बात होगी क्या? ऊंची मिसाल के तौर पर एक शख्स साहिब निसाब है मगर तंदूर से जाके रोटी खाता है, होटल से आम खाना खाता है, उसके लिए हम यही कहेंगे कि ठीक है, वो 2 किलो आटे की कीमत जो 170 रुपए बताई गई है इस साल वो दे दे। लेकिन एक शख्स है जिसके घर में 2 खाने पकते हैं, जिसके घर में बेहतरीन जनाब बर्तन होते हैं, जिसके घर में जनाब क्रॉकरी, बैठने की जगह A1, तो वो भी 170 ही दे? ऊंची पूछ रहा हूं, उसको कितने देने चाहिए? क्योंकि एक हिसाब आटे का है, एक जौ का है, एक खजूर का है, एक किशमिश का है। आटा 2 किलो, उसके अलावा बाकी चीजें खजूर हो, जौ हो, किशमिश हो, 4 किलो उसकी कीमत। तो हम सबको खुश दिली से, अगर अल्लाह ने हमें ज़्यादा अच्छा दिया है तो हमें देना भी ज़्यादा चाहिए। अब एक शख्स है उनके यहाँ तो 10 खाने होते हैं, उनके तो बर्तन ही नहीं शुमार हो सकते, वो भी 170 रुपये ही दे क्या? उसको चाहिए कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक फितरा अदा करे। आप अपने घर के मुलाजिमों को तनख्वाह में फितरा ज़कात नहीं दे सकते, हाँ तोहफे में देना चाहें तो आप उनको दे सकते हैं, लेकिन तनख्वाह के तौर पर कि नहीं जी ज़कात आपने बना ली, अब मैं जी इसका यूँ कर लूँगा, वहाँ कर लूँगा, इस तरह नहीं करना चाहिए। समझ आ गई आपको बात? ये 2 बातें आपको बतानी थी आज की तारीख में। अगले जुम्मे इंशाल्लाह ज़िक्र करूँगा मैं वाक़िए बदर, जंगे बदर का ज़िक्र होगा, मौला अली का ज़िक्र होगा, अम्मा सैयदा आयशा का ज़िक्र होगा और एतिकाफ का ज़िक्र होगा। आज आपको ये इस बातें बता दी हैं, जो लोग एतिकाफ इस मस्जिद में करना चाहते हैं, यहाँ पर अहसन अब्दुर्रहमान साहब के पास फॉर्म है,
उन्होंने शराइत लिख के लगा दी हैं, जो उन शराइत को पूरा कर सकते हैं वो उनसे रابطہ कर लें। वो रात में भी बैठेंगे यहाँ पर, आप लोग उनके साथ रابطہ कर सकते हैं। फितरे के हवाले से मैंने बता दिया, जो 2 किलो आटे का 170 रुपये, जौ के हिसाब से 560 रुपये, खजूर के हिसाब से 1600 रुपये, किशमिश के हिसाब से 2800 रुपये एक आदमी का फितरा, ये भी मैंने आपको बता दिया। पिछला जुम्मा हमने मनाया था हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का। आज का जुम्मा उनकी वालिदा माजिदा हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, क्योंकि 10 तारीख रमदान की उनका विसाल नबी पाक की पहली जौजा मोहतरमा, जन्नत की औरतों की सरदार, नबी पाक के लिए खाना लेकर आ रही थी गारे हिरा में। गारे हिरा, अच्छे कोई तगड़े में जो सेहत वाले आदमी चढ़ते हैं, वो रोज़ चढ़ती थी खाना लेके नबी के लिए। खाना लेके आ रही थी, जिब्रील अमीन आए हुजूर के पास, हुजूर हज़रत खदीजा आ रही हैं, उनके हाथ में बर्तन है, बर्तन में आपके लिए खाना है, जब वो आपके पास आए उनको अल्लाह का सलाम पहुंचा दीजिएगा, रब ने उनको सलाम कहा मेरा भी सलाम कह दीजिएगा, और उनको खुशखबरी सुना दीजिएगा कि अल्लाह ने जन्नत में उनके लिए मोतियों का महल तैयार किया। उसमें कोई शोर गौगा, कोई शोर शगब नहीं होगा। ये इस्लाम की मोहसिना खातून हज़रत सैयदा आयशा फरमाती हैं, एक दिन एक उम्र रसीदा यानी बूढ़ी खातून आई, हुजूर उससे मुस्कुरा के बातें करते रहे, मैं बड़ा रश करती रही ये कौन है। जब वो चली गई तो मैंने पूछा ये आप बड़ा इससे मुस्कुरा के बातें कर रहे थे, कौन थी ये? हुजूर ने फरमाया ये खदीजा की सहेली थी। हज़रत आयशा फरमाती मेरे मुँह से निकल गया आप अभी भी उनको याद करते हैं? तो हुज़ूर ने फरमाया आयशा खदीजा को कुछ ना कहना, उसने मुझे उस वक्त माना जब लोग नहीं मानते थे, उसने उस वक्त मुझ पर खर्च किया जब कोई खर्च नहीं करता था, उसने उस वक्त मेरा साथ दिया जब लोग साथ छोड़ रहे थे। अल्लाह ने मुझे उससे औलादें दी, उससे बेहतर बीवी अल्लाह ने मुझे नहीं दी। अंदाज़ा करें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कितनी प्यारी रफ़ीका हयात थी, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी, करोड़ों सलाम उन पर। अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद फरमाए। जन्नत की 4 ख़वातीन सरदार जो हैं, सरदार ख़वातीन, उनमें से एक हज़रत खदीजतुल कुबरा है। हुजूर की इनसे 6 औलादें, 4 बेटियां, 2 बेटे हैं। एक बेटे हुजूर के हज़रत मारिया किबतिया से। ये हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा, सबसे पहले हुजूर ने इनको नमाज सिखाई, हुजूर पर ईमान लाई, ये भी इनकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां भी, माशाल्लाह बड़ी शान, बड़ा मकाम। मक्का मुकर्रमा में आपका मज़ार शरीफ गुंबद था, ज़ालिमों ने सब ख़त्म कर दिया, लेकिन ये कि वो बड़ी शान वाली हैं, बड़े दर्जे और मर्तबे वाली हैं। हम आज उनका यौम मुबारक मनाते हुए इस मस्जिद में उनकी तरफ से हदिया पेश करेंगे, अपने वालिदैन की तरफ से। दूसरा हदिया पेश करना है सिबते रसूल रेहाने रसूल हज़रत सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला। सैयदना इमाम हसन का तारीख़ पैदाइश 15 रमदान, कब? आज 13 है, कल 14, परसों सैयदना इमाम हसन। ये अब्दुल गफ्फार दाऊद साहब ने 10,000 रुपया दिया, तो उनका यौम विलाद माशाल्लाह। कितने बेटा? 2 है। ये माशाल्लाह शेख शकील साहब ने ये उनके अपने बेटे के ज़रिए 2,000 भेजे, अल्लाह कबूल फरमाए। ये शाह साहब के बेटे 2,000 लेकर आए, अल्लाह कबूल फरमाए। सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला पैदा हुए 15 रमदान को, नबी पाक आए, गोद में लिया, अपना ज़बान मुबारक उनको घुट्टी के तौर पर उनके मुंह में दिया।
ये सर से लेकर सीने तक हूबहू तस्वीर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी पाक के बड़े प्यारे नवासे शहजादे। और हुजूर ने ख़ुद उनको सैयद फरमाया कि मेरा ये बेटा सैयद है, सरदार है। अल्लाह ताला उन पर भी करोड़ों रहमतें फरमाए। रमज़ान में आपको पता है मैं सबसे कहता हूँ, आप लोग ज़रूर तआवुन किया करें। ये हमारे तीन चार जुम्मे होते हैं जो हमारे लिए कुछ आसानी कर देते हैं, तो जो लोग यहाँ भेजना चाहें, वरना ये आपके सामने कपड़ा लेकर आ रहे हैं हरा कपड़ा, इसमें आप ज़रूर सैयदना इमाम हसन की तरफ से या उनके लिए साजद खतीजतुल कुबरा के लिए या उनकी तरफ से हिस्सा डालें, उनकी रूह भी खुश होगी और हमें भी फ़ायदा होगा। हज़रत सर्री सकाती रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े बुज़ुर्ग हज़रत जुनैद बगदादी के मामू होते हैं, उनका भी ये 13 तारीख गालिबन रमदान की, उनकी 14 रमदान हज़रत सच्चल सरमस्त हज़रत हाफिज़ अब्दुल वहाब साहब दराज़ा शरीफ सिंध में, बड़ा मशहूर उनका मज़ार है, बड़े वली अल्लाह, उनका भी यौम मुबारक। अल्लाह इन सब की बरकात हमें अता फरमाए। दो बातें, गुफ्तगू में कोई गलती हुई हो अल्लाह ताला की, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा करता हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र के तूने एक झूठे मुनाफिक और गुस्ताख हुक्मरान से नजात अता की, उसका शुक्र अदा करते। वो शख्स जिसने नबी को पागल कहा माज अल्लाह, वो शख्स जिसने नबी के लिए जलील का लफ्ज़ कहा, जिसने हज़रत ईसा की गुस्ताखी की, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह तरह से गुस्ताखी की, जिसने सहाबा की गुस्ताखी की, जिसने नबी के आशिकों पर शैल चलवाए, जिसने नबी के आशिकों के सीने छलनी करवाए, वो ख़ुद जलील होकर चला गया। आपने देखा उसने हुकूमत बचाने के लिए आईन को भी रौंदा। कितने जनाब दूसरों को कहता है ग़ुलामी या आज़ादी, पहले तू आज़ाद तो होके दिखा, तू जहन में किसका ग़ुलाम है, सारी दुनिया से पैसे तू जमा करके लाया, तू पहले ख़ुद तो आज़ाद होके दिखा। तेरे ख़िलाफ़ साजिश नहीं हुई, पिछले रमदान में तूने शैल चलवाए थे नबी के ग़ुलामों पर, उनको कल आदम करार दिया था, इस रमदान में तू खुद कल आदम हो गया। लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक लबैक लबैक। इसने ख़त्म नबूवत पर कितने हमले किए, इसके ज़माने में क्या कुछ हुआ, अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज़, इसके गर्दन पर उन तमाम लोगों का खून है जो लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे थे और इसने उन पर शैल चलवाए थे, उन पे गोलियां चलवाई थी, उन सब का खून इसकी गर्दन पर। लोग कहते हैं जी बाकी लुटेरे तो हमें बाकी लोगों से कौन सी खुशी है जो आए हैं, लेकिन इसके जाने की खुशी है। अल्लाह करे हमें दीन के मुल्क के वफादार मिले। वो जितने हैं सारे इस मुल्क को सबने लूटा खाया, किसी ने कुछ दिया, वो डिक्टेटर थे, आमिर थे, सिविलियन थे, सबने लूटा है। अल्लाह करे कि इस मुल्क में दीन की बहारें आएं। अब आपका इम्तिहान शुरू हो गया, अब अगर इलेक्शन हुए और आपने किसी बेदीन को वोट दिया तो जिम्मेदार आप होंगे। बहुत हो गया, 70 साल में इतना कर्जा नहीं लिया था जितना इसने 3 साल में ले लिया। बताया कि 25,000 अरब 70 साल में कर्जा था, इसने 3 साल में लेके 50,000 अरब कर दिया।
जब ये आया था 125,000 रुपए का एक पाकिस्तानी मकरूज था, जब ये गया 950,000 रुपए का एक पाकिस्तानी मकरूज, किस तरह इसने खून चूसा। अल्लाह ताला इन सब को दुनिया में ही निशाने इबरत बना। अब जलसे कर रहे हैं, मुझे क्यों निकाला, मेरा क्या कसूर था। आ तुझे मैं बताऊं, तेरा कसूर ये कि तूने नबी के लिए जलील का लफ्ज कहा था, ये तेरा कसूर। तूने नबी के लिए पागल का लफ्ज कहा, ये तेरा कसूर। तूने सहाबा की तौहीन की, ये तेरा कसूर। तूने नबी के आशिकों के सीनों पे गोलियां चलाई, ये तेरा कसूर। समझ आ रही है बात? बात करता है इस्लामोफोबिया का कि जी अक्वामे मुत्तहिदा में जाके नबी की शान की तकरीर की, तो नबी की शान की बात की, तुझे इज्जत मिल गई, लेकिन तूने खुद नबी की क्या शान क्या बयान की। उसके बाद आके तूने उसके बाद आकर ये सब कुछ किया, तो जो भी गैरों का वफादार होगा इज्जत पा सकता। अगर आज भी तौबा करो, नबी के सच्चे गुलाम बनो, तो शायद मुआफ़ी मिल जाए, वरना अब हमारे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। अच्छा, कल वो आ रहा है कराची में, पता नहीं सड़कों का क्या हाल आपको पता है, नाचने गाने वाले उसके साथ, लड़कियां निकलती हैं तो लोग इसको देखने तो कम आते होंगे, लड़कियां देखने ज़्यादा निकलते होंगे। नाच गाना होता है, अमर बिल मारूफ उसका वो नाम रखता है, तो उसने कल कराची में आना है, तो कल मेहरबानी करके अपने घरों में रहना, एहतियात करना, हाँ खाम खा सड़कों को भी निकल के ये नहीं बता देना कि सब उसके लिए, क्योंकि वो लोग तमाशे वाले निकले होते हैं, वो भी शुमार हो जाते हैं। तो उसको पता लगना चाहिए कि नबी के आशिकों के पास अब तेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं। हम नबी के वफादार, हम मुल्क के वफादार, हम दीन के वफादार, जो इनका नहीं है वो हमारा। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए। हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहब बैठे हुए हैं, इनके वाले साहब थे हाजी यूसुफ साहब और उनके दोस्त थे हाजी उमर बच्चू भाई। जब वाले साहब किबला ने ये मस्जिद बनानी शुरू की थी, तो ये जो अंदर का हाल है जिसमें आप बैठे हुए हैं, ये सारा पत्थर वगैरह इन्हीं के साथियों ने लगाया। मस्जिद बनी, फिर बाद में दूसरा काम हुआ बाहर तक का। ये जो मस्जिद के बाहर के पिलर थे, ये देखें, ये जो पिलर लगे हुए हैं इनको 50 साल हो रहे हैं, ये अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक लगे हुए। बाहर जो लगे हुए थे वो बार बार उखड़ रहे थे, 6 मरतबा पत्थर लगाए उखड़ जाते हैं, धूप से उखड़ते हैं, गैस से उखड़ते हैं, तो बड़ा मसला था। तो हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहब ने ऐलान सुना, इन्होंने वो लगवाने का काम किया, पत्थर हमने ख़रीद के दिया, लगवाने का काम इन्होंने, पत्थर सिर्फ 2.5-3 लाख का आया, इन्होंने 2 लाख रुपए लगाने के दिए, पॉलिश वाले ने पूरी मस्जिद की पॉलिश की है, 5-6 लाख रुपए उसको दिए। ये सारा खर्चा किया था रमदान से पहले, ताकि आपको रमदान में मस्जिद चमकती हुई मिले। आप लोग तआवुन करते हैं, एयर कंडीशन सारे जो थे 2 साल से बंद थे कोरोना की वजह से, तो ये जावेद मारफानी साहब ने मेहनत करके वो सारे सेट कराए, ताकि तरावी में भी लोगों को मिले, जुम्मे में भी आपको ठंडा ठंडा मिले माहौल। तो ये खर्चे तकरीबन को 10-12 लाख रुपए के हम कर चुके हैं रमदान से पहले, और हमारी तो कोशिश होती है 10-12 लाख रुपए जमा हो, ताकि अगले 2-4 महीने, क्योंकि मस्जिद का खर्च 4 लाख रुपए से ज़्यादा है, आमदनी 1.25 लाख, खर्च कितना 4 लाख से ज़्यादा, सिर्फ बिजली का बिल ही कितने का आता है, बाकी चीज़ें अगर आप देखें, तनख्वाहें कितनी है, और आमदनी जो जुम्मे में 30-35 हज़ार होती थी, अब कभी 14, कभी 15, कभी 20 इस हद तक होने लगी है। तो आप लोगों को ख़ास तआवुन करना है रमदान शरीफ में, ताकि हमारे अखराजात वगैरह जो हैं वो सही हों। अल्लाह का घर है, अल्लाह ही ने बनवाया है, अल्लाह ही चलवाएगा, हम लोगों का हिस्सा हो जाए तो हमारे लिए सआदत होगी।